नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। बेंगलोर में देश की जानी मानी पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या किए जाने के खिलाफ भोपाल में मीडिया कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। एमपी नगर चौराहे पर इकट्ठा हुए पत्रकारों ने मोमबत्ती जलाकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और गौरी लंकेश की हत्या को संविधान के चौथे स्तंभ पर हमला बताया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मीडिया कर्मियों को खुद की सुरक्षा के लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। जोशी ने सरकार से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। ये कहा जाता है कि पत्रकार की कोई विचारधारा नहीं होती और वो पत्रकार जो सच बोलने के लिए जाना जाता है, उस पत्रकार की हत्या केवल इसलिए कर दी गई कि वो सच लिख रही थी और वो सच कुछ लोगों को चुभ रहा था। तो उस चुभन का नतीजा ये हुआ कि वो हमारे बीच से आज गुजर गई और हम उनकी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए और उनकी जो हत्या हुई है उसकी जाँच हो, उसके खिलाफ जितने उनके प्रकरण बन सकते हों, जिन लोगों के जो भी अज्ञात हमलावर हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, वो सजा दें और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और पत्रकार सुरक्षा कानून जो एक लंबे समय से एक मांग रखी जा रही है। हम लोग सभी यहां पर कोई संगठन का बैनर नहीं है, सारे पत्रकार हैं, इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब और जितने भी संचार माध्यम हैं उन सबके प्रतिनिधि हैं। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, युवा पत्रकार हैं, बुजुर्ग पत्रकार साथी हैं। सबकी एक ही मांग है कि देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। इसके लिए हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं, कल हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। महामहिम राष्ट्रपति इस पर विचार करते हुए जल्दी से जल्दी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, जो अभी विचार में प्रस्ताव में रखा हुआ है संसद में, उस पर जल्द लागू हो और हमारे बीच से कोई पत्रकार साथी इस तरह की मौत का शिकार न बने। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।